आज हम देखेंगे कि डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि सबसे पहले अगर डेसिमल मान लीजिए ये नंबर होता 180.938 में से माइनस करना होता 35.724। मान लीजिए नंबर अलग अलग दिया हुआ है और इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम लोग माइनस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो डेसिमल में जो भी नंबर बड़ा हो या छोटा हो तो बड़ा में से छोटा हमको माइनस करना है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे और उसके छोटा नंबर उसके नीचे लिखेंगे और डेसिमल को सामने सामने रखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। यही ट्रिक है इसमें, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, लेकिन ऐसे भी तो बड़ा में से छोटा घटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सामने सामने सजाएंगे। अब चलिए इसको माइनस करते हैं। 8 में से 4 गया, कितना होगा 4, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 10 में से 5 गया 5, फिर ये बच गया 7, 7 में से 3 गया 4 और ये हो गया 1। तो आपका आंसर क्या हुआ, 145.214, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह मान लीजिए हम लोग दूसरा लेते हैं, 1.4 माइनस हम लोग करते हैं 0.241। अब देखिए इसको कैसे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 पॉइंट फिर लिख दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पे डेसिमल के सामने डेसिमल लिखे 241। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर है 4 है, तो इसके बाद आप 0 0 बैठा सकते हैं। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है डेसिमल के बाद, कोई नंबर के बाद का 0 का या डेसिमल के बाद जो भी अगर 0 लिखेंगे और उसके बाद अगर कोई नंबर हो तब उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है। मान लीजिए 1.0 है तो इसका 1 ही वैल्यू होगा, लेकिन 1.4 है तो इस पर हम 0 0 0 बैठा सकते हैं तो 1.4 वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग 0 0 बैठाए। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से सिंपली जैसे माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया 9, ये बच गया 10, ये भी बन गया था इससे लेके और ये इससे लेके, तो ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5 और ये हो गया। तो देखिए इसको जैसे हम लोग माइनस करते हैं सिंपली, ये 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हम लोग इससे उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9 और ये भी इससे लिया होगा क्योंकि ये 0 था, तो ये बच गया 9, 9 10 में से हम लोग इसमें ले लिए तो ये हो गया 9 में से 4 गया 5 और ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1 और ये डेसिमल का डेसिमल हो गया और यहाँ पे हम लोग 1 में से 0 गया 1 उतार दिए। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। और स्टूडेंट आपने देखा कि डेसिमल का घटाव हिंदी में बोल सकते हैं, माइनस बोल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया। अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो में।